हाय दोस्तों, ये है E88 ड्रोन जो कि आता है स्मार्ट ड्रोन और ये हवा में भी उड़ेगा, प्लस में आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेगा। बात करते इसकी प्राइस का, तो 5999 रुपीज इसका प्राइस है और इस प्राइस में देखते हैं कैसा है ये ड्रोन और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। चलो इसका डब्बा खोल करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर है और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें गाइस कैमरा है, वो भी दो कैमरा है जो कि आप अलग अलग एंगल से यूज कर सकते हो और अपनी वीडियो को रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बात करते हैं इस ड्रोन की कितना मीटर तक ये जा सकता है, तो 100 मीटर तक ये जा सकता है। तो आपको दिखाते हैं ये कैसा है ये ड्रोन, क्या क्या फीचर है और कैसे आपको यूज करना है। दोस्तों टेरेस में बनाने का मेन रीजन था कि हमारे जो स्टूडियो में वहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, बिकॉज बारिश के कारण लाइट कहीं भी इस एरिया में नहीं आ रहा है। तो हमने सोचा चलो हम आज टेरेस पे बनाते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों मौसम है बहुत ही खराब और आप देख सकते हो बारिश आ रहा है और देखो पूरा टेरेस पूरा पानी से भरा हुआ है और बहुत ही बेकार मौसम चल रहा है। तो आपको हम पार्क में तो लेके नहीं जा सकते, बट हाँ ट्राई करेंगे कि इसी टेरेस में वीडियो बना के आपको दिखाते हैं और ड्रोन को उड़ा के दिखाते हैं कैसा है। तो चलो फिर इसका करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा E88 ड्रोन और यहाँ पे आपको ड्रोन जैसा दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसके कुछ फीचर हैं, लाइक 4K HD क्वालिटी का वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हो, फोल्डिंग जो इसके फोल्डेबल जो होते हैं ड्रोन है, और एयर प्रेशर्स के साथ ये झेल सकता है, स्टेबल है, 360 डिग्री का ये लाइक रोटेन कर सकता है और लॉन्ग बैटरी लाइफ इसको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी सेम है, दो कलर वेरिएशन है, लाइक ग्रे है एंड ब्लैक का है कॉम्बिनेशन है। चलो अब इसका अनबॉक्स करते हैं डब्बा और आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मिलता है हमें एक सूट के सा लाइक प्रोटेक्टर जो होते हैं जो कि डैमेज ना हो इस ड्रोन का। तो हम यहाँ पे अनजिप करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या है। तो इस तरह को आपको ड्रोन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ड्रोन जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, इसको अभी रखते हैं साइड में। और यहाँ पे हमें मिलता है एक रिमोट कंट्रोलर जिसके साथ आप ड्रोन को यूज कर सकते हो, और यहाँ पे मिलता है वायरलेस रिसीवर जो कि आपके रिसीवर के साथ कनेक्ट होगा, और यहाँ पे आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ करने का स्विच, और यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन्स मिलते हैं, लाइक यहाँ पे 360 कर सकते हो डिग्री, यहाँ पे होम बटन है और आप बैक जा सकते हो एंड अप एंड डाउन कर सकते हो, और यहाँ पे आपको लाइक जो भी आप यूज़ करते हो, यहाँ पे फ्लिप करने का बटन है जो भी साइड है, यहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग एंड फोटो को कैप्चर करने के लिए स्विच दिया हुआ है जो कि नॉर्मली सब में होता है, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही फीचर हैं। पीछे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है 3 सेल जिसके साथ आप यूज़ करके इस कंट्रोलर को पावर दोगे और आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मिलता है बेसिक चीज़ें, इसके अंदर हमें और भी चीज़ें देखने को मिलता है, लाइक यहाँ पे मिलता है एक यूज़र मैनुअल गाइड, अगर आप फर्स्ट यूज़र हो तो आप इसे पढ़कर यूज कर सकते हो क्योंकि काफ़ी बोरिंग सा लग रहा है। और यहाँ पे मिलता है इसके साथ एक लाइक यूज़र मैनुअल गाइड सेकेंड पॉइंट मिल रहा है जिसके साथ इसको ऐप के साथ कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। हम यूज़ करके आपको दिखाएंगे कैसा है ये कनेक्ट करने के बाद। यहाँ पे मिलता है आपको स्क्रू ड्राइवर जो कि आप पेज को कस सकते हो, और यहाँ पे मिलता है आपको बैटरी जो कि इसे पावर दोगे, और यहाँ पे आपको कुछ प्रोटेक्टर एंड केबल मिलता है जिसके साथ आप चार्ज कर सकते हो और आपके पंख को ये डैमेज भी नहीं करता। तो चलो फिर इसका आपको सेट करके आपको दिखाते हैं कैसा है। देखते हैं दोस्तों ये हमारा मेन ड्रोन जो कि फोल्डेबल है, अब इसे अनफोल्ड करते हैं और देखिए इस तरह को आपको अनफोल्ड करते हैं और फिर आप यूज कर सकते हो आफ्टर अनफोल्ड करने के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ये ड्रोन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको ध्यान दोगे तो ये देखो ये कैमरा को आप एडजस्ट कर सकते हो इसके थ्रू, बट रिमोट के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते हो बिकॉज वो DJI में होता है और यहाँ पे आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दूसरा कैमरा मिलता है जो कि काफ़ी बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको एक वायर देखने को मिल रहा है जो कि रिसीवर के काम करता है, और इस तरह को आपको ड्रोन का लुक देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी प्रीमियम एंड लुकिंग में काफ़ी एज ए मटेरियल लगता है। अगर बात की जिसका मटेरियल का तो किससे बना है, तो ये पूरा प्लास्टिक से है। बात की जिसका वेट तो 100 ग्राम का इसका वेट है जो कि 250 ग्राम से डाउन है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस और कोई भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप इसे इजीली आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ध्यान रखो कि इसको एयरपोर्ट के पास कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, और बस आप यूज़ करो एज ए खेलने के पर्पज़ से। बस इस तरह को है, आपको दिखाते हैं आप इसे ऑन करते हैं, और सबसे पहले आप इसको ऐप के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है ये ऐप के साथ और कैसा इसका कैमरे की क्वालिटी। तो ये है हमारा, इस तरह का हमें देखने को मिल रहा है लाइक कैमरा इसका, और मोबाइल में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर हम इसका मूवमेंट देखें कैमरे का, तो देखो कैमरे की क्वालिटी अच्छा है। अगर इसमें बोला है कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, लगभग 8 से 10 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, इनफ है बस इसके लिए, बट ठीक है। इस तरह का आपको ड्रोन का कैमरा मिल रहा है। तो दोस्तों हमें इस तरह को आपको ड्रोन देखने को मिल रहा है,
और पूरा ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और अगर नाइट में आप यूज करते हो तो देखो यहाँ पे दो लाइटें भी जल रही है जो कि काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। चलो फिर इसे छत पे उड़ाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा ड्रोन जो कि देखिए कितनी मस्त लग रहा है। हमारे जो पायलट हैं वो सस्ते पायलट हैं। तो दोस्तों ये हमारा ड्रोन जो कि उड़ाने में देखो हम इतने अच्छे पायलट तो है नहीं है, हम इसी एरिया में उड़ा रहे हैं क्योंकि पता नहीं कहीं भी चला जाए तो मिलेगा तो है नहीं, अच्छा है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट चीज़ है और प्राइस तो आपको पता ही है कैसा है। तो बस यही है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू गाइस। और एक ड्रोन के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हो। दोस्तों टेरेस में बनाने का मेन रीज़न था कि हमारे जो स्टूडियो में वहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है बिकॉज बारिश के कारण लाइट कहीं भी इस एरिया में नहीं आ रहा है। तो हमने सोचा चलो हम आज टेरेस पे बनाते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं कैसा है।